हेलो बच्चों तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताइए ठीक है तो जैसे कि हमें पता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है तो हाँ जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल को एज अ वेव मानते हैं ठीक है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है टू वेव्स होती हैं ऐसे एक ही फेज में होती हैं ये पॉजिटिव ए नेगेटिव ए नेगेटिव जब इनको ऐड करते हैं ठीक है इसकी एडिशन होती है तो जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है तो इस तरह से हमारा क्या बनता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है और एंटी पॉन्टिक मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या था एक वेव हम ऐसे पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं और इसके अपोजिट में क्या लेंगे हम ये वेव थोड़ी छोटी लेंगे और ये थोड़ी छोटी लेंगे अब जब इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो जो वेव है जो रिजल्टेंट वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा बनता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ठीक है तो so, कैसे लिखेंगे इसको फर्स्ट ही पॉइंट है हमारा द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर कंबिनेशन द लीनियर कंबिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटॉमिक ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटॉमिक orbitals when their wave functions are added when their wave functions are when their wave functions are added ठीक है when their wave functions are added और दूसरा क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें क्या होता है कैसे फॉर्म होता है ये इज फॉर्मड

दूसरा डिफरेंस क्या है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव लोभ पॉजिटिव लोभ के साथ मिल रही है ठीक है और नेगेटिव लोव नेगेटिव लोव के साथ मिल रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो रहा है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या हो रहा है जो पॉजिटिव लोव है वो नेगेटिव लोव के साथ जब सब्रैक्ट करेंगे इसको और यहाँ ये पॉजिटिव लोब है और नेगेटिव जब इनको अट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन है वो ऐसे बन रहा है ठीक है तो दूसरा दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें ये कैसे फॉर्म हो रहा है इट इज फॉर्म्ड इट इज फॉर्मड व्हेन व्हेन लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ द कंबाइनिंग कंबाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम फेस या सेम साइन हैव सेम साइन सेम साइन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 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 के साथ कंबाइन होगा और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा ठीक है सेम साइन हो गए इसमें जब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और दूसरी की तरफ क्या था अपोजिट साइन होने चाहिए इट इज इट इज फॉर्म्ड व्हेन द व्हेन द लोब्स व्हेन द लोब्स ऑफ द लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स ओके ठीक है अपोजिट साइन होने चाहिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल रहा है ठीक है दो डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे थर्ड मैंने बताया था आपको कि जब ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो इस तरह से बनता है ये इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और जब कंबाइन करके यहाँ पे जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है ऐसे ठीक है ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी होता है एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ बनता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये यहाँ बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है इस तरह से बनता है ये तो मैंने बताया था आपको कि जो ये एनर्जी है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिकुलर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होती है लेस होती है पर स्टेबिलिटी क्या होती है मोर होती है और दूसरे केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के केस में मैंने बताया था कि जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो लेस होती है ठीक है तो थर्ड क्या डिफरेंस लिखोगे आप इट्स एनर्जी इज इट्स एनर्जी इज एनर्जी इज लेस देन लेस देन दैट ऑफ दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग एटोमिक ऑर्बिटल ठीक है और मतलब यहां पर जो आप कंबाइन कर रहे हैं एटोमिक ऑर्बिटल तो इससे एनर्जी इसकी लेस होगी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की ठीक है और दूसरी केस में क्या है इट्स एनर्जी इज मोर देन मोर देन दैट ऑफ that of the combining atomic orbital, combining atomic orbital, ठीक है और फोर्थ डिफरेंस हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो ये क्या होता है स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकता है और इसमें आ, फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन के फेवर में होता है और दूसरे केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में देखें तो इसकी जो क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये डिस्टेबल होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बिलीव नहीं करते मतलब फेवर नहीं करते उसको तो हम फोर्थ केस लिख सकते हैं इट स्टेबलाइज इस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल It stabilizes the molecule and favor favors the favors the formation of formation of bonds. ठीक है formation of bonds. और दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? इसका उल्टा लिख देंगे। It destabilizes the molecule. Destabilize ज डिस्टेबिलाईजिस द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को क्या कर देता है डिस्टेबिलाईज करता है एंड डज नॉट एंड डज नॉट फेवर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ठीक है और फिफ्थ केस हम फिफ्थ केस है कि जो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इट कैन बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा पाई एंड डेल्टा ठीक है और दूसरे केस में इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार ठीक है और सिक्स केस हम ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है मान लो ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ठीक है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस है इसका और यहाँ पे मान लो पॉजिटिव साइन है मतलब प्रोटॉन भी है यहाँ पे ठीक है ये न्यूक्लियस है और ये प्रोटोन भी है ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए हमने ठीक है जब इनको कंबाइन करेंगे तो कुछ ऐसी शेप बनेंगी जैसे ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ आ यहां जाएगा और पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा और जब पूरा कंबाइन होगा ये मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो कुछ शेप इसकी ऐसी होगी ठीक है मतलब पॉजिटिव साइन यहाँ को आ जाएंगे और ये न्यूक्लियस इस साइड को आ जाएगा इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरे केस में हम देखें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ठीक है इसमें न्यूक्लियस और ये प्रोटोन और न्यूक्लियस और ये प्रोटोन अब क्या करना है ये दो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं इसमें क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी ठीक है सब्ट्रैक्शन होगी तो कुछ ये ऐसे ओवरलैप करेंगे सेम वैसे ही प्लस और ये नेगेटिव बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस हो आ जाएगा ठीक है और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी इसकी कुछ ऐसे बनेगी ये ठीक है ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पे लोब्स आ जाएंगे ठीक है ये बोलेंगे इसको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ठीक है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल तो हम देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है स्पेस में ठीक है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल और, और, और न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियाई है वो शील्डेड भी है न्यूक्लियाई क्या है शील्डेड भी हैं तो क्या लिख सकते हैं हम सिक्स केस में हम लिख लेंगे इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेस ठीक है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बिटवीन द न्यूक् ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स ठीक है दैट इज न्यूक्ले आर शिल्डेड ठीक है और दूसरे केस में क्या इसका अपोजिट लिख लेना इट डिक्रीजेस द इट डिक्रीजिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट डिक्रीजिज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेस ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना यहाँ पॉजिटिव एक्टिव साइन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कम होगी ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज डी shielded. ठीक -shielded. -shielded. है आई होप आपको समझ आ गया होगा वीडियो अगर समझ आ गया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को